विकसित भारत की जो संकल्पना ली गई है, अभी तक अपना देश का जो परंपरा रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा खेती योग्य भूमि अपने पास है, उसके बाद भी अपना देश गरीबी में जूझ रहा था। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी देश का नेतृत्व संभाल रहे हैं, एक संरचना बनी, सभी सरकारों के द्वारा जो आह्वान किया गया था, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती थी। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गरीबी होने का कारण ढूंढा, तो छन करके 14 कारण जो है गरीबी होने का दिखाई पड़ी, उस कारण पर प्रहार किया गया। जो गरीबी होने का जो कारण है, 14 कारण, उसको समाप्त किया जाएगा। तो सबसे पहला जो है जीवन जीने का अधिकार लाया गया। जीवन जीने के अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक को जो है भोजन मुहैया कराना सुनिश्चित किया गया। आप देखे होंगे जो आपदा के समय में भी इतनी बड़ी आबादी, आज हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, फिर भी कोई भी व्यक्ति भूख से तड़पते हुए नहीं पाए जाते हैं, यह उनकी गारंटी है। इसी तरह बीमारी से हम लोग पीड़ित रहते थे, स्वच्छता के दिशा में आगे बढ़ने की बात आई तो हर घर नल से जल देने की बात आई। हर घर जो नल से जल देने की बात जब आई, तब जाकर के जो है इस देश में है जा कलरा डायरिया इस तरह की बीमारी प्राय हुआ करता था। आप जानते होंगे प्लेग के कारण गांव के गांव लोग जो है जीवन को त्याग देते थे, काल कल्पित हो जाते थे, लेकिन कोरोना के पीरियड में भी उनके कुशल नेतृत्व के कारण ऐसा कहीं किसी तरह की आपदा नहीं दिखाई पड़ी। और स्वच्छ जल होने के कारण जो है कलरा है जा डायरिया स्वतः समाप्त हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लाई गई। कल तक जब हम उपनिवेशिक दास्ता को छोड़े तो प्रत्येक नागरिक को शिक्षित बनाने की बात आई थी। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी देश का नेतृत्व संभाले, उनका कहना हुआ जो बेहतर शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति लाई जाए, और नई शिक्षा नीति लाई गई, उसके कारण प्रत्येक नागरिक को उनकी कुशलता के लिए शिक्षित बनाने की बात आई, और उस दिशा में हम अग्रसर हो रहे, आगे बढ़ रहे हैं, और प्रत्येक नागरिक को मूल्य आधारित शिक्षा देने का काम किया जा रहा है।